इस वक्त भी एक्टिव है। एमपीएटीएस की जांच में कई अहम सबूत सामने आए हैं। आतंकी फैजान के सहयोगियों का अब एटीएस पता लगा रही है। आपको बता दें कि एक साल से आतंकी फैजान पर जांच एजेंसियों की नजर थी। बंगाल की एसटीएफ ने आतंकी फैजान को हिरासत में लिया था। वही प्रारंभिक पूछताछ के बाद हालांकि उसे छोड़ दिया गया, लेकिन नजरें लगातार फैजान पर बनी हुई थी। फैजान रकीब से मिलने भी गया था कोलकाता जेल में, जो कि आपको बता दें कि रकीब जो कोलकाता जेल में बंद है उससे आतंकी फैजान ने मुलाकात की थी। और उसके पहले भी पूछताछ में फैजान ने कई अहम खुलासे किए थे। फैजान ने यह जानकारी दी थी कि जवानों, अधिकारियों और उनके परिजनों की लगातार फैजान रेकी कर रहा था। 6 महीने से उसने अपने कौम से नाता तोड़ लिया था और कई अहम और खुलासे लगातार इस पूरे मामले में होते जा रहे हैं। एटीएस के एक्शन की इनसाइट स्टोरी भी आप इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन सबसे अहम खुलासा ये कि प्रदेश में आतंकी नेटवर्क इस वक्त भी सक्रिय है, इस वक्त भी एक्टिव है। कई आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब एक अहम खुलासा ये हो रहा है कि इस वक्त भी ये पूरा नेक्सस एक्टिव मोड पर है, यानी कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे सक्रिय आतंकी हैं जो कि आतंक फैलाने की साजिश मध्य प्रदेश के अंदर रच रहे हैं। एमपी एटीएस की जांच में कई अहम सबूत मिले हैं और एटीएस के एक्शन की इनसाइड स्टोरी आप देख रहे हैं कि किस तरह से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया। खंडवा में आज सुबह 3 बजे एटीएस ने दबिश दी, एक बड़ी टीम ने यहां पर दबिश दी। कैसे संदिग्ध आतंकी फैजान को पकड़ा गया है ये आप देख रहे हैं। आतंकी फैजान के पास हथियार होने की आशंका भी एटीएस को थी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, दरवाजा खुलते ही एटीएस ने फैजान को धर दबोचा। एनआईए को पिछले साल भी फैजान के कुछ इनपुट जरूर मिले थे, तलाशी भी की गई थी, लेकिन उस वक्त फैजान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। एनआईए ने इसके बाद जिहादी पोस्ट के चलते एटीएस के ये हत्थे चढ़ा था। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में कई पोस्ट इसने किए थे। मुठभेड़ में कुछ आतंकियों को गिराया था जिसका बदला लेने की साजिश फैजान रच रहा था। तो किस तरह से आतंकी फैजान को गिरफ्तार किया गया ये पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको समझाया, लेकिन सबसे बड़ा और अहम खुलासा इस वक्त ये हुआ है, आतंकी फैजान से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस वक्त एमपी में आतंकी सक्रिय हैं। एटीएस की जांच में कई अहम सबूत और लगातार आईबीसी 24 की नजर इस खबर पर बनी रहेगी।